नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। वक्त है खबर फटाफट का। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। एक बार फिर झांसी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूर्व गरौटा विधायक पर की बड़ी कार्यवाही। शिवपुरी ग्वालियर मार्ग पर बने फार्म हाउस की कर दी कुर्की। करीब 6 करोड़ से अधिक की जमीन को किया गया है जब्त। मंडलायुक्त और झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रक्षा थाने का किया निरीक्षण। थाना समाधान दिवस में पहुंचकर सुनी फरियादियों की समस्याएं। इसके बाद थाने में दस्तावेजों को किया चेक। अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के दिए निर्देश। गाजियाबाद से जनपद झांसी आगमन के बाद हरिमोहन सिंह को बनाया गया क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर। इसके अलावा स्नेहा तिवारी को क्षेत्राधिकारी सदर, लक्ष्मीकांत गौतम को क्षेत्राधिकारी मोर, अरुण कुमार चौरसिया को गरौठा, आलोक कुमार अग्रहरि को क्षेत्राधिकारी टहरौली और राजेश कुमार राय को सौंपी गई नगर यातायात व क्राइम की जिम्मेदारी। झांसी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने दीनदयाल सभागार में व्यापारी सम्मेलन में लिया भाग। अपने भाषण में उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। बोले, देश में प्रधानमंत्री मोदी के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। मऊरानीपुर के कटेरा थाना अंतर्गत ग्राम पड़रा में सुखनई नदी से बालू माफिया कर रहे खुलेआम बालू का अवैध खनन। प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा बालू का खनन, मौन है अधिकारी। पुलिस जानकर भी बनी अनजान। नगर पालिका परिषद बोर्ड की पहली बैठक में मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने खोला कई विकास योजनाओं का पिटारा। पूर्व की नीलामी कर दी गई निरस्त। सुखनई नदी के सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, स्ट्रीट लाइट के साथ कई योजनाओं को दिखाई हरी झंडी। झांसी के आतिया तालाब के पास सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान के सिलेंडर में लगी अचानक आग। दुकानदार दुकान छोड़कर भागा। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। झांसी के समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा दिसंबर जनवरी माह में आयोजित होगा भव्य 501 कन्याओं का सामूहिक विवाह। इस कार्यक्रम में देश विदेश के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु और बॉलीवुड की हस्तियाँ होंगी शामिल। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति व एडवोकेट सियाराम प्रजापति ने संदीप सरावगी के कार्यालय पहुंचकर उनके इस कार्य की जमकर की सराहना दी, अग्रिम शुभकामनाएं। और अब खबरें जालौन से। जालौन में उपसंभागीय परिवहन अधिकारी तथा वाणिज्य कर अधिकारी ने सघन चेकिंग अभियान में 5 वाहनों को पकड़ा। 3 वाहनों पर 1,75,000 रुपये का लगाया जुर्माना। जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर की गई कार्रवाई। एक बार फिर जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राम राजा ने दिखाए कड़े तेवर। सभी थाना प्रभारियों को दिया आदेश, अगर कोई पुलिस का सिपाही अवैध धंधों में या माफियाओं के साथ दिखा संलिप्त तो होगी कठोर कार्रवाई। थाना प्रभारियों को भ्रष्ट सिपाहियों की लिस्ट भेजने के दिए आदेश। तेज हवाओं के कारण बाउंड्री वॉल हुई ध्वस्त, ग्रामीण दबा। क्षेत्रवासियों ने लगाया ठेकेदार पर मानक के विपरीत तथा घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। जालौन जिले के रेवर थाना क्षेत्र के ग्राम क्योलारी का है मामला। सवारियों से भरा तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पुलिया की दीवार तोड़कर खंडक में गिरा। ऑटो में सवार एक महिला व मासूम बच्चा समेत 4 लोग पहुंचे अस्पताल। ऑटो चालक नशे में धुत होने के कारण मौके से हुआ फरार। कालपी कोतवाली क्षेत्र के महेबा गांव का है मामला। जंगली जानवरों के मांस की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी। 2 कानपुर जिले के, 2 कानपुर बिहार के और 1 जालौन जिले का है तस्कर। सिरसा कलार के जीतामऊ के जंगलों से हुई गिरफ्तारी। बांदा में टप्पेबाजों ने उड़ाया सुनार की दुकान से लाखों रुपए के जेवरात व रुपयों से भरा बैग। पुलिस से की गई शिकायत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बदमाश की करतूत। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें खबर फटाफट में। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए न्यूज वीके के साथ। नमस्कार। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा,
बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।